गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग एस्टेनो चैनल। आज हम उसी एडवांस आउटलाइंस के पार्ट को बढ़ाते हुए आज सेकंड पार्ट कंप्लीट करूँगा, और आई होप आपको फर्स्ट पार्ट का काफ़ी मज़ा आया होगा और वो काफ़ी कन्विंसिंग रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट में थोड़ी वीडियो क्वालिटी लो रही होगी, सॉरी फॉर डैट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई होप ये पार्ट की वीडियो आपको उससे ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए किसी भी नए अपडेट्स का और आपके लिए इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स का। सो टुडे आई हैव टेकन द फर्स्ट वर्ड, दैट इज़ आई एम कन्विंस्ड। आई एम कन्विंस्ड, लेट मी ड्रॉ वन लाइन फर्स्ट। आई ड्रू इट। I am convinced. I am very easy. Convinced. ये हमने सेपरेट किया, इसको डिसज्वाइन किया। आपने रूल पढ़ा होगा बेसिक कि जब भी कौन आता है तो हम लोग वो डिसज्वाइन करते हैं। तो आई एम कन्विंस्ड। एक बात और बता दूं कि जितने बड़े हम लिखते हैं, है ना, आप ज़रूरी नहीं कि आप साइज में उतने ही बड़े लिखो, आप छोटे लिखो, क्योंकि आपको तो खुद पढ़ना है, मुझे समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा आउटलाइंस बनाता हूँ। Now the second term is I am convinced. I am convinced that the को हमने केवल ऐड कर दिया, है ना। अब किसी ने पूछा, किसी के मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि सर यहाँ पे I am convinced with the भी तो हो सकता है, मीन्स हाउ विल वी रीड दैट। सो फर्स्ट द वेरी फर्स्ट आंसर शुड बी लाइक, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आई एम कन्विंस्ड दैट द और आई एम कन्विंस्ड विद द का यूजेज काफ़ी अलग है। लाइक जब भी आई एम कन्विंस्ड दैट द आएगा, इट मीन्स कोई टॉपिक जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी गई है उसके बारे में बताई जानी है, मीन्स वेल एक्सप्लेन्ड मैनर में। जबकि अगर आई एम कन्विंस्ड विद द लिखते हैं तो वो उसके आगे आने वाली बिल्कुल ही जो वर्ड आएगी वो छोटी आएगी, ठीक है, और वो एक कंक्लूजन के रूप में आएगा जबकि एक्सप्लेनेशन के रूप में आएगा। सो दिस इज व्हाट बेसिकली मेक्स डिफरेंस टू ऑल। नाउ द सेकेंड टर्म इज माई फर्स्ट पॉइंट इज हाउ विल बी राइट दिस। माई फर्स्ट के लिए केवल एसटी लगा देंगे, फर्स्ट के लिए केवल एसटी का यूज करेंगे, और पॉइंट इज मैंने आपको लिखना सिखा दिया है सीरीज के फर्स्ट पार्ट में। तो माई फर्स्ट पॉइंट इज, यू कैन राइट लाइक दिस, माई फर्स्ट पॉइंट इज। नाउ द सेकेंड टर्म इज माई सेकेंड पॉइंट इज। सेकेंड के लिए हमने बताया आपको कि केवल सेकेंड लिखेंगे, माई सेकेंड पॉइंट इज। सो इट्स वेरी इजी, इफ यू वॉन्ट टू यूज वॉवेल यू कैन, अदरवाइज नो नीड। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज माई थर्ड वर्ड इज, वेरी इजी, माई थर्ड, थ्रा को छोटा करते हैं और पॉइंट इज हमने ऐड कर दिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज माई ओनली, ओनली भी लिखना सिखा दिया हमने। सीरीज का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, है ना, कई चीज़ें उसमें ऑलरेडी क्लियर कर दी गई है ना, तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। माई ओनली पॉइंट इज, आप प्ले लिस्ट से आप उस सीरीज को देख सकते हैं, सीरीज के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। माई ओनली पॉइंट इज, माई मेन पॉइंट इज, है ना। आप चाहो तो अपने सुविधा के हिसाब से आप वॉवेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट इतने एडवांस आउटलाइंस लिखने वाले बच्चे हम नहीं समझते कि उनको कोई ज़रूरत पड़ती होगी। ओनली इन दिस कनेक्शन, हमने भी बताया था कि दिस को हम लोग केवल एस से भी डिनोट करते हैं, है ना, तो ओनली इन दिस कनेक्शन, ओनली को सबसे पहले हमने ऐसे लिखना सिखाया था, ठीक है। इन दिस के लिए केवल एस लगाएंगे और कनेक्शन, ओनली इन दिस कनेक्शन, सो इट्स वेरी इजी टू बी रिटन। हाँ, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट। आई वुड भी लिखना सिखा दिया हमने, लाइक टू में हम लोग क्या को छोटा करते हैं ये भी बताया था हमने, और सजेस्ट में ज को छोटा करेंगे, टी ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, फिर सजेस्ट हो जाएगा, इसमें एस को ऐड कर देंगे तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट हो गया ये, और डैट द, आई वुड लाइक टू सजेस्ट डैट द। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इन दिस कनेक्शन, वेरी इजी टू बी रिटेन। हमने लिखा यहाँ पे ओनली इन दिस कनेक्शन, और इसमें तो और एक वर्ड एलिमिनेट ही हो गया, तो ये और ईजी हो गया, इन दिस कनेक्शन। आई वुड लाइक टू सजेस्ट डैट, आई वुड लाइक टू सजेस्ट डैट, I would like to suggest that. हमने ऑलरेडी ऐसे किया भी है,
ये रिपीटेड हो गया, केवल इसमें डैट एक्स्ट्रा आया, वो भी नहीं, सब सेम ही है दोनों, कोई बात नहीं, कई कई वर्ड सेम हो जाते हैं, है ना। सो नाउ द नेक्स्ट टर्म इज आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट डैट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट डैट, इट कैन बी रिटन लाइक आई वुड ऑल्सो, है ना, ल स क को छोटा करेंगे लाइक टू पढ़ेंगे और ज को छोटा करेंगे या सजेस्ट हो जाएगा डैट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट डैट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, पहले तो वोट लिख लेंगे भी को छोटा करके और यहाँ डिसजॉइन करेंगे और कॉन्फिडेंस ऐसा लिख देंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया ये तो। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज विद इफेक्ट फ्रॉम, पहले बता दूं कि ये इफेक्ट विद के साथ इफेक्ट जब भी आएगा, है ना, तो इसके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आना रहेगा तो ये फ्रॉम ही आएगा, ये कंपलसरी है, ठीक है, इसके बाद ना टू आ सकता है ना कुछ और आ सकता है, ठीक है। ऐसे लोग बोल सकते हैं कि विद इफेक्ट टू भी आएगा, लेकिन टू देखने में सुनने में अच्छा लगता है बट टू आता नहीं, फ्रॉम आता है, ठीक है। सो ध्यान देंगे इस बात को, हमने विद लिख दिया, और इफेक्ट के लिए हमने बताया था केवल हम लोग क्या करते हैं, इफेक्ट के लिए केवल वॉवेल यहाँ पर दे देते हैं, अदरवाइज केवल के को हाफ करेंगे तो भी इफेक्ट पड़ते हैं, तो विद इफेक्ट फ्रॉम लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपको ये अंडरस्टूड होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज विद रिगार्ड टू द फैक्ट, तो विद लिखेंगे और रिगार्ड हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं ना, रिगार्ड, लेकिन री करते हैं और गर को छोटा करते हैं गार्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एडवांस आउटलाइंस देखना है तो यहाँ पे री को नहीं लिखेंगे, केवल विद रिगार्ड ऐसे हो जाएगा, ये विद रिगार्ड ऐसे लिखेंगे जब भी लिखना हो तो, और टू द रहेगा तो टू ऐसे लिखते हैं, द ऐसे लिखते हैं, और फैक्ट के लिए हमने बताया है आपको, आप चाहो तो अलग भी लिख सकते हो, तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद रिगार्ड टू द, विद रिगार्ड टू द फैक्ट, है ना। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज विद रेफरेंस टू, विद रेफरेंस टू लिखना बहुत ईजी है, फर्स्ट आई ड्रॉ अ लाइन, आई डिड इट। नाउ विद रेफरेंस के लिए केवल फेस लिख देते हैं और टू लिख देते हैं, विद रेफरेंस टू, है ना। नाउ द अदर वर्ड इज, इसे मैंने बताया है कि यहाँ पे इंग्लिश जो है वो स्टेनो आदित्य सर के द्वारा कराई जाती है और हिंदी रंजन अभिषेक सर के द्वारा कराई जाती है। तो नेक्स्ट वर्ड है विद रिस्पेक्ट टू, लेट मी ड्रॉ ऑनलाइन फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू, केवल एस टू लगा देंगे, है ना, विद एस टू, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू। फॉर द टाइम बिंग, हमने टाइम को शॉर्ट लिखने के लिए बताया हुआ है वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, है ना, सीरीज के फर्स्ट पार्ट में, तो फॉर द लिख दिया, टाइम के लिए केवल म लिखते हैं और बींग के लिए केवल डॉट दे देंगे किसी भी वर्ड के लास्ट में, तो ऐसे भी उसको आई एन जी पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड, स्टैंड, ये देखिए स्टै ये साउंड से फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है ना, तो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंड हो गया ये, हमने ट को छोटा कर दिया तो स्टैंड हो गया ये, और इसमें अर्ड है तो अर्ड को, र को छोटा किया, अर्ड हो गया ये। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी फर्स्ट प्लेस पे, स्टैंड हो गया, अर्ड हो गया, स्टैंडर्ड लिख दिया, और लिविंग के लिए केवल इंग का यूज करेंगे, मीन्स केवल डॉट का यूज करेंगे किसी वर्ड क्लास में, आई एन जी पढ़ेंगे। अब बोलोगे सर यहाँ पे लिविंग भी हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ सर्वाइविंग भी हो सकता है ना, इन सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल हो सकता है पैसेज में, बट ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ सर्वाइविंग आपने नहीं पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही पढ़ा होगा, क्योंकि सर्वाइव करना और लिव करना दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है ना। सो आप ऑन द बेसिस ऑफ देयर रियल मीनिंग यू कैन गेट इट, वोकैब्स पे वैसे भी कमांड अच्छी होनी चाहिए, मीन्स वोकैब्स के यूजेस पे भी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एज क्विकली एज पॉसिबल, है ना, इसमें हम लोग इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये एडवांस फ्रेजेस है, इसलिए मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ। जैसे पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इस रूप में, लाइक एज लिख दिया हमने, एज क्विकली एज पॉसिबल, ये जब भी एज एज ये पॉजिटिव डिग्री में आते हैं, है ना, जैसे एज फास्ट एज डियर, है ना, एज कूल एज कुकुम्बर, इस टाइप का सेंटेंस जब यूज करते हैं तो ये एज एज जब भी आता है तो केवल हम लोग आउटलाइंस को बड़े करते हैं ना, जो भी बीच में टर्म जो इसमें है यहाँ पे इसको बड़े कर देते हैं, फिर समझ लेते हैं क्योंकि इसका पॉसिबल आना होता है तो इसको बड़ा करते हैं। लेकिन अगर इसको ये समझ नहीं आ रहा है एज क्विकली एज पॉसिबल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एज ऐसे लिख दिया हमने एज, और क्विकली एज पॉसिबल के लिए केवल पी एस भी लिख सकते हो, ये भी अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एज क्विकली एज पॉसिबल।
हमने बोला कि जब भी एज के बाद जो टर्म आएगा उसको हम लोग डबल करेंगे, डबल करेंगे इन द सेंस कि बड़े करेंगे। तो एज फार एज पॉसिबल, केवल हम लोग फ को बड़ा कर देंगे, एज फार एज पॉसिबल हो गया। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एज अर्ली एज पॉसिबल, यहाँ पे र टर्म आ रहा है बीच में अर्ली, तो हम लोग र को इसमें बड़े कर देंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ल को बड़ा कर देंगे तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल हो गया, है ना। ये लिखना काफ़ी ईजी है, मतलब इस टाइप के टर्म्स को एज वेल एज पॉसिबल रहेगा तो क्या करेंगे, ये एज दे दिया हमने और वेल आपको ऐसे लिखना आता है और इसमें बड़ा कर दिया ये, तो एज वेल एज पॉसिबल हो गया, ये ऑन द लाइन होगा क्योंकि वे है ना, ए का साउंड आ रहा है तो ये सेकंड प्लेस पर रहेगा, मीन्स ऑन द लाइन रहेगा। नाउ द अदर टर्म इज और द नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, है ना। तो ड्यूरिंग द, ड्यूरिंग द तो ऐसे लिखना आता है आपको, ये तो बेसिक में समझाई जाती है ना ग्रामर लोगस में, ड्यूरिंग द और पीरियड केवल के लिए पी से हम ऐसे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, ड्यूरिंग द पीरियड। और अंडर रिव्यू क्योंकि ये साथ साथ आएगा हमेशा, है ना, ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू साथ में आएगा, तो हम लोग केवल पी लिख करके रिव्यू के लिए यू से इंटरसेक्ट करते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू ऐसा काट दिया हमने यू से, तो ये ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू हो गया। सेम चीज़ है यहाँ पे इन द पीरियड अंडर रिव्यू, इन द लिखेंगे और पीरियड अंडर रिव्यू कर देंगे, इन द लिख के पीरियड अंडर रिव्यू कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल, इंटरनेशनल के लिए केवल हम लोग इंटर लिखेंगे, ना को बड़ा करेंगे, इंटर हो गया, और ना से इसको ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, तो इंटरनेशनल हो गया। अगर रहेगा इंटरनेशनल अलायंस तो इसी में हम लोग इंटरनेशनल अलायंस, तो इंटरनेशनल अलायंस ऐसे कर देंगे, ऐसे वॉयल दे सकते हैं इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। अगर रहेगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तो इंटरनेशनल कर देंगे और ऐसे रेंस कर देंगे, कॉन्फ्रेंस हो गया ये, ठीक है, कॉन और रेंस कर देंगे, ये कॉन्फ्रेंस हो जाएगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये इस टर्म्स कुछ यूज होते हैं जो हमने बता दिया आपको, तो ये तीन केसेस। पार्ट टाइम लेबर रहेगा, है ना, पार्ट टाइम लेबर को भी कई तरीके से लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमने प्र लिखा और छोटा किया तो पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। टाइम के लिए म लिखेंगे छोटा वाला, है ना, और लेबर के लिए केवल बर लिख देंगे क्योंकि पार्ट टाइम लेबर ही आएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। पर को छोटा किया पार्ट हो गया, म को छोटा किया टाइम हो गया, और लेबर के लिए बर हो गया। मैं बता दूं कि अगर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको बार बार देखें, है ना, जहाँ पे समझ नहीं आया उसको बैक करके देखें तो ज़्यादा क्लियरली आपको समझ आएगी, है ना। पार्ट टाइम लेबर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, पार्ट टाइम माँ को छोटा किया टाइम हो गया, और लेबर आप पूरा भी लिख सकते हो, है ना, नो प्रॉब्लम। ये डिपेंड करता है आपके स्पीड के ऊपर कि एट व्हाट स्पीड यू आर राइटिंग ऑल दीज वर्ड्स। पुट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के लिए जनरली केवल वर्ड का यूज करते हैं, है ना, वर्ड डब्ल्यू है ना ये, तो ऐसा नहीं कि वर्ड डब्ल्यू ए आर डी वाले आउटलाइंस को नहीं बनाना, ये वर्ड है, है ना, डब्ल्यू ए ओ आर डी वाला भी नहीं बनाना क्योंकि ये वर्ड है, इसमें केवल डब्ल्यू क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा फिर, है ना, लेकिन इसको छोटा करना है। हम लोग सीख रहे हैं एडवांस फ्रेजेस, है ना, हम लोग एडवांस आउटलाइन सीख रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। तो हम लोग बेसिकली कोशिश करेंगे कि जितनी कम से कम लाइन ड्रॉ करके हमारी काम हो जाए। पुट फॉरवर्ड, पुट तो लिखना आता है, पुट लिख दिया, और फॉरवर्ड के लिए केवल वर्ड लगाएंगे, है ना, केवल वर्ड लगा देंगे, तो ये हो गई पुट और ये हो गई फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट, अगर ब्रॉड फॉरवर्ड रहेगी, फर्स्ट लेट मी ड्रॉ वन लाइन, ड्रू इट, ब्रॉड फॉरवर्ड फर्स्ट प्लेस पे जाएंगे, ब्रॉड लिखते हैं और फॉरवर्ड में केवल वर्ड लगा देंगे। रहेगा ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ब्रिंग आराम से लिख देंगे और इसमें वर्ड लगा देंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फंडामेंटल, फंडामेंटल को बेसिक में सिखाई जाती है कि फंड को केवल ऐसे लिख देना है, ये एफ एन को छोटा किया फंड हो गया और इसमें मेंट को ज्वाइन कर दें, डिसज्वाइन कर देंगे, तो फंडामेंटल हो गया ये, फंड लिख के और मेंट से डिसज्वाइन करेंगे, ये फंडामेंटल हो गया, है ना। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट के लिए फंडामेंटल अगर नहीं करेंगे फंड में राइट लगा देंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट ही आएगा, अगर आपने आर लगाया तो आर से कोई और वर्ड नहीं हो सकता फंडामेंटल के साथ, है ना, हो सकते हैं बट जनरली पैसेज में इस्तेमाल नहीं किया जाते, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये फंडामेंटल राइट आप अपने सुविधा के हिसाब से यहाँ वॉयल भी डाल सकते हो, अदरवाइज नो रिक्वायर्ड। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो हमने सीरीज के फर्स्ट पार्ट में भी किया, एग्रीकल्चर को बड़ा करना है, इसमें सन लगा देना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सो आज आपके इस सीरीज के सेकेंड पार्ट तक
50 मीन्स अराउंड 70 आउटलाइंस क्लियर हो गए। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, है ना, फ्रेंड्स के साथ जो आपके काफ़ी करीबी हैं या दूर के हैं, जो शॉर्ट हैंड एस्पायरेंट हैं, एस्टेनो सीख रहे हैं, है ना, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ये एडवांस आउटलाइन है जो आपके स्पीड के ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको कम से कम परेशानी देते हुए ये आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू गाइज, बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।